हाई का करे आइल बड़ा हाई दुगला मारवावे आइल बड़ा ढुकावे आइल बड़ा ऐसा करेगी चोली में पैसा डलवावेगी ढोरीपुर में पाल खई हर जोबनपुर में नसता मोहन कोनो राजा राजा कहत जाई नसता। आज एकर बाप अगर इसको लात मार के भगाया है तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा नाक बचाने के लिए कौन बाप चाहेगा यार कि हमर बेटी हमर भनुआ रंडी बन के रह, दिमाग खराब है का किसी का? वो बेचारा अपना टेम्पू चला के रह जा रहा, ठीक है ओकरा लागी। राजा जहर खा के मर जाए, खेसारी लाल के गाने पे एक लड़की वायरल हुई थी जिसका नाम है प्रिया सुहानी। आइए इनसे जानते हैं कि सुहानी से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, एक तरफ सभी लोग उनसे प्यार कर रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं ही कहना चाहेंगे कि प्यार वही कर रहे होंगे जो कि मतलब देखो समाज में अच्छे लोग भी है बुरे लोग है कि नहीं जी। अब हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन अपन बहन के, कौन कौन अपन समाज के महिलाओं और बेटियों को स्टेज पे का नचनिया बनाना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। प्रिया सुहानी पे हम इसलिए गुस्सा है कि प्रिया का कह रही थी कि हम गरीब हैं, गरीब हैं। अच्छा ये बताओ कि तू अभी तक एक साथ थे 1,00,000 रुपया देखा है कहियो? नहीं देख लिए। देखिए ये गरीब है, ये असली गरीब है, ये डेली के 4,000 रुपया स्टेज पे कमा रही है। और 4-5 गो कोचे अगर चंगू मंगू हमारा फोन करके बोल रहा है कि नहीं भैया 3,000 रुपया तो छूट तोरा बाबू के पास चल जा रहा है कि तोरा मैया के पास चल जा रहा है, छूट वो तो लड़की है ना उठाता है यार। तो 4,000 रुपया हो गलो, 4,000 का अगर पर डे के हिसाब से जोड़ते हो तो महीना 1,00,000 रुपया से ऊपर हो गलो भाई, 20,000 हो गलो ना जी। महीना में जेकरा पास 1,20,000 आएगा वो गरीब कहलाएगा? गरीब नहीं है। अब हम बता रहे एकर खुलासा, एकर बाबू टेम्पू चलाता, ठीक है, बेचारा अपना खुद का स्वाभिमान से वो टेम्पू चलाता है। वो कहा, उनका कहना है कि हम मतलब भंडुआ बाप नहीं है जो हम बेटियों का दलाली खाएंगे। तो इसलिए बाप इसको पहले 4 लात मार के भगा दिया है, आज से नहीं 8-7 साल हो रहा है इन लोगों को। एकर बहिन भी एगो है जो कि सब छलबिदरी है लोग, ठीक ना, स्टेज पे जो नाचे था जो सबके सामने ऐसे करी था, तो वो अच्छा होगा यार? नहीं, ये अपना शौक के लिए कि हमको हीरोइन बनना है तो हम अपना हद पार कर गए, एकर बाप मना किया होगा, बेचारा नहीं मना पाया तो वो अपना खुद का गुजर बसर टेम्पो चला के कर रहा है। तो हम ऐसे तमाम लोगों को बोलना चाहते हैं कि देखिए भैया, हमारा बिहार जो है ना ये बहुत ही मतलब संस्कारी, आज के डेट में हिंदुस्तान के कहीं भी तुम चल जाओ भाई, कहीं भी जाओ, देश विदेश कहीं भी जाओगे, बिहार में तुमको प्रणाम करने वाला मिलेगा, आदमी मिलता ना है ना, तो हाय हेलो करता है सब जी। How are you? हाँ, तो काहे ला भैया हमारे बिहार के संस्कृति को खराब करने पे तुम लोग तुले हुए हो। आज के डेट में ये लड़की को देख के तो सब लड़की यही ना सीख रही होगी कि हाँ देखो चलो प्रिया दीदी वायरल हो गया तो हमू वायरल हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं जान रहा कि प्रिया दीदी तो हर 2 नंबरी हो, प्रिया दीदी तो रंडी हो, ये कोई नहीं जान रहा। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि आप मतलब एगो लड़की मुस्कान जो हो ले कि उसको आप काहे काम दिए, तब पगला कहीं का, मुस्कान को हमने समाज हित गाना दिया था, मुस्कान को हमने ये गाना दिया था कि कोई लड़की को छेड़ता है तो कैसे पुलिस प्रशासन उसको करता मारता पीटता। तो बढ़िया गाने पे ना ए राजा जहर खा के मर जाए ना, तो झूठ ना बोले रे, अरे झूठ ना बोली। अब तुम मान लो कि तुम चलो ठीक है तुम कुछ किया, अब मान लो कि तुम शादीशुदा हो और तुम चारों को बोले कि हम शादी नहीं किए, तो झूठ ना बात है, झूठ से ना नफरत है हमको। तुम झूठ बोली क्योंकि आपने गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया, अपने आप को देखो खूबसूरत तो है ना, छुछुंदरी से भी गेल गुजरल हो, छुछुंदर के मुंह भी तनी लोल निकल रहा है, एक तो महा लोली हो, एक संगे एगो आओ बैताल डांस छेर चेर गाना गए तो भाई भाई एक से चाहता हमारे कुत्ता रोता है, बढ़िया से रोता गाता है, कहता सूर में गाता है। अच्छा, कहाँ छुछुंदरी तब दोनों आप बड़का एगो एलो शूटिंग करे तो लगो ना कि भौकाल तो ऐसे लगे लोग कितना बड़का हीरोइन उतरल हो, मुँह ना कान आ प्रिया सुहानी छुछुंदरी नाम। हम यही कहना चाहेंगे तमाम भाई बहन को, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ये हमारा भारत है और भारत की पहचान साड़ी है, तो कृपया करके साड़ी को आप लोग बदनाम नहीं कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बिहार जो है ना एगो बहुत बड़ा मतलब की मतलब यहाँ साटा उठते हो जैसे आप विदेश में बोलावल जाते कि बिहार की महिलाओं को बुलाओ साड़ी में सेक्सी लगती है नचाओ उसको, समझा कि नहीं? तो अपने भारत की संस्कृति को हम बचाने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार मनी महाराज को हमने विरोध किया था कि छोटे छोटे बच्चे गाली सीख रहे हैं, उसी तरह से हम समीर चौधरी इसका भी विरोध करते हैं कि इसकी वजह से जितनी पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं वो सब बहक रही है, वो सब लड़की पढ़ाई लिखाई मान लो तू मतलब तोर बहन हो 10 बार तो इंटरव्यू दे लो ना पास हो लो तो उसका मनोबल छोटा ना हो जाएगा, अब वो सोचेगा छोड़ो ना नौकरी नहीं लग रहा था का स्टेज पर जाकर नाचेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, मने सब रंडी बन जाएगा हमने भड़ुआ बनोगे पैसा कमाओगे, सोना गाछी में जाकर पैसा लुटाएगा तो हमने लूटोगे, वही नहीं करना होगा। ऐसे
बच्चा को पैदा होने से पहले नमक चटा देगा, मर जाएगा, क्योंकि ये लोग समाज को गंदा करने के लिए आया है। ये लोग राक्षस कुल से है, राक्षस रक्षसनी है, ये सब समाज को ना अपने तरह लेके जा रहा। खेसारी लाल को भी समीर चौधरी बोलना चाहेगा कि आप लोग मतलब ना होता है कि भूत भूत के बढ़ावा दे, चोर चोट्टा चोरे चोट्टा बना बहो, तो गाना बजाने वाला सबके गाने बजाने वाला बना रहा है। ऐसे तो बहुत बोलते हैं कि हमार गाना सुनने खातिर हमार जनता श्रोता गण बारन, और श्रोता के कोनो बेटी के साथ बलात्कार होता है, चाहे कोई मर जाता है, कोई घर जर जाता है, ये सब कोई नहीं जाता है, ये सब का सब चोट्टा है। खेसारी लाल जो है उसका बोले है कि नाचने के लिए नहीं किसी के पास, लेकिन वो तो नाच के ही वायरल हुई। अरे भैया मीडिया नचाया, वो अपने जब दुगोला में नाचता है, दुगोला कैसन होता है तुम जानता है? दुगोला में अश्लील शब्द का उच्चारण किया जाता है। हाय का कर आइल बड़ा, हाय दुगोला में मारवावे आइल बड़ा, ढुकावे आइल बड़ा, तेरी माँ का जन्म ऐसा ऐसा भाषा अगर प्रयोग होगा तो तोर घर के हमर घर के माई बहन खड़ा होगा उजा, तो हुआ रंडिये किस्म के ना लोग रहेगी यार। अब जो ऐसे ऐसे करेगी, चोली में पैसा डलवावेगी, ऐसा पैसे के लिए ना कराओ, पैसा के लिए ना। आज एक बाप अगर इसको लात मार के भगाया है तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा नाक बचाने के लिए, इतना बड़ा खुलासा। अरे भाई कौन बाप चाहेगा यार कि हमर बेटी हमर भनुआ रंडी बन के रहे, दिमाग खराब है क्या किसी का? वो बेचारा अपना टेम्पू चला के रह जा रहा है, वो ठीक है ओकरा लगे, वो बेचारा टेम्पू चला के उतने बार नीम के रोटी खा के मरना चाहता है, बेटी का दलाली नहीं खाना चाहता।